दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से ही आप जान गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है, तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है, उसका डेट आप लोगों को पता है, आ चुका है। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के बीच में ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली है, और ऐसे में अब बहुत कम समय बचा हुआ है अपनी तैयारी को फाइनल शेप देने के लिए। ऐसे में हम लोगों ने जो है आप लोगों की सुविधा के लिए काफी प्रयास करके, मेहनत करके, काफी रिसर्च करके एक टेस्ट सीरीज हमने बनाया है। 15 टेस्टों की ये एक सीरीज है, जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया है बीडीओ के पूरे सिलेबस को कवर करने का। तो हमारा दावा है, हमने 100% सिलेबस को बीडीओ के कवर कर लिया है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इस टेस्ट सीरीज में कुल 15 टेस्ट होंगे, जिस प्रकार से हिंदी के पोर्शन से पूछा जाता है 50 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के पोर्शन से जो पूछा जाता है 50 प्रश्न, और रीजनिंग के जो 50 प्रश्न आते हैं, उन सबको हमने सम्मिलित करते हुए जो है इस टेस्ट सीरीज को बनाया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस टेस्ट सीरीज को बनाते वक्त जो है, जो दो उद्देश्य हमारे थे, वो पहला तो जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी टेस्ट सीरीज का ये कॉमन उद्देश्य होता है, कॉमन उसका जो है गोल होता है, वो ये कि जब आप टेस्ट देते हैं एक डेमो के रूप में, एक प्रैक्टिस के रूप में, तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, और जब आप एक्चुअल बैटल फील्ड में उतरते हैं, युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, जो कि आप 22 या 23 दिसंबर को उतरेंगे, तो उससे पहले आप स्वमूल्यांकन कर पाते हैं कि आपके अंदर जो है कमी क्या है, और कुछ गलतियां जो कि आप संभावित है एक्चुअल पेपर में करके आएंगे, जैसे कि कभी ये होता है कि आप को तीसरे प्रश्न पे जो है गोला भरना है और आपने भर दिया चौथे प्रश्न पे गोला जो है। कभी ये होता है कि आप जो है पेपर को रीड कर रहे हैं, जो आसान प्रश्न थे वो आप देख ही नहीं पाए, आपके नजर से निकल गए, ऐसे होता है। और इसीलिए एक प्रैक्टिस जो है करने के लिए कहा जाता है कि कुछ जो है 5-10 टेस्ट सीरीज का एक प्रैक्टिस करके ही जाना चाहिए फाइनल एग्जाम देने के लिए, ताकि जो है जो गलतियां आप जो है फाइनल एग्जाम में संभावित रूप से कर सकते हैं, उसे यहां सुधार सके, टेस्ट के द्वारा ही उन गलतियों को आप जो है जांच सके। तो ये तो हमारा जो है उद्देश्य है ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि आप जो है स्वतः मूल्यांकन कर पाए और उन गलतियों से बच पाए जो कि आप जो है एक्चुअल परीक्षा में बिना टेस्ट सीरीज दिए अगर जाएंगे तो करेंगे, और इसलिए उन गलतियों को अभी सुधार लीजिए इस टेस्ट के द्वारा प्रैक्टिस से, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा इससे बड़ा महत्वपूर्ण जो हमारा गोल है, वो ये है कि हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपके 100% बीडीओ के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। तो 100% वीडियो के कवर सिलेबस को हम इसमें जो है कवर कर देंगे, और 2250 प्रश्न जो है इस पूरे टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी, जिसके विस्तृत व्याख्या आपको दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम केवल ये नहीं बताएंगे कि जो है किसी प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, हम ये भी बताएंगे कि ऑप्शन बी और सी और डी गलत क्यों है, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम देंगे। तो अगर आप देखेंगे, अभी हम डेमो टेस्ट आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिए हैं, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं, तो वहां से आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कुछ प्रश्नों की व्याख्या हमारी जो है आधे आधे पेज की है, तो जो है बड़े विस्तार से हमने व्याख्या दिया हुआ है, और आपसे हम जो है 100% ये कह सकते हैं कि अभी तक जितनी टेस्ट हम लोगों की निगाहों में आई है जो है विभिन्न माध्यमों से जो है, उन सबको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि उतनी सुंदर व्याख्या और न तो उतने अच्छे प्रश्नों का संकलन जो है आपको किसी टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा जो दूसरा उद्देश्य है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी करवाना चाहते हैं बीडीओ के लिए, जो है ग्राम विकास अधिकारी के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, हम पूरी तैयारी आपकी कराना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सब एग्जाम्स में जो है स्टूडेंट 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले पूरी ताकत से जो है कूदते हैं, और ऐसे समय में अगर आपको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें कि 15 टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो है आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, और उसे करने का हमने प्रयास किया है। इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में, जो एक्चुअल परीक्षा होगी, उसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और रह गई बात, तो जो है 100% सिलेबस तो आपका कवर हो ही जाएगा,
2250 प्रश्न है, लेकिन उसे जो है अगर आप देखेंगे, जब डेमो टेस्ट आप डाउनलोड करके स्वयं देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि 2250 प्रश्न जो है एक्चुअल में 12,000 से 15,000 प्रश्न है, जिनके माध्यम से हमने पूरी तरह से वीडियो के सिलेबस को खंगाल डाला है, उसमें कुछ बचेगा नहीं, आप जो है देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, इस टेस्ट सीरीज को जो है आप क्यों ज्वाइन करें, उसमें सबसे प्रमुख जो विषय है वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में पहली बार निगेटिव मार्किंग आई है, माइनस मार्किंग आई है, अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं था, तुक्का जितना मार सके मारिए, लेकिन इस बार क्या है कि निगेटिव मार्किंग आ गई। और जहां तक उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों की बात है, जो है मैक्सिमम लोग, कुछ लोग अगर पीसीएस दिए होंगे तो परिचित होंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग जो है माइनस मार्किंग के खेल से अपरिचित है, नेगेटिव मार्किंग के खेल से अपरिचित है। और ये भी जो नेगेटिव मार्किंग है इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी में हमें देखने को मिलेगी, वो तो जो है आधे नंबर वाली है, यानी अगर दो प्रश्न आपने गलत कर दिया और एक प्रश्न सही कर दिया तो ले दे करके आपका नंबर बराबर हो जाएगा, बहुत खतरनाक माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की, ठीक है। तो ऐसे में बिना अगर प्रैक्टिस किए जो है आप मेन एग्जाम हॉल में जाएंगे और एग्जाम देंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप बहुत सारे गलत प्रश्न करके और बहुत अपना नंबर नेगेटिव मार्किंग में गंवा करके आएंगे, क्योंकि आप इसके अभ्यस्त नहीं है। और इसके अभ्यस्त बनने के लिए कम से कम आपको 10 टेस्ट देना होगा, ताकि आप समझ पाए कि नहीं, मैंने इस जो है ऑप्शन पर टिक किया था तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, उस पर आप चिंतन कर पाए और खुद को इतना मजबूत बना पाए कि कोई भी प्रश्न जो आपको ललचा रहा है लेकिन उसका उत्तर आपको पता नहीं एग्जैक्ट, तो आप उसे छोड़ सके, क्योंकि जो है बहुत जबरदस्त माइनस मार्किंग है। और ऐसे में जो है ये सब लर्निंग आप टेस्ट दे करके ही सीख पाएंगे। अब देखिए, हम जो है अपनी बात को कंक्लूड करते हैं कि हमारा टेस्ट आप क्यों ज्वाइन करें। अगर एक सीधा सा प्रश्न हो तो हम पहली बात तो ये कहेंगे कि जो है हमने 100% टेस्ट के माध्यम से सिलेबस को कवर किया है, चूंकि माइनस मार्किंग का मामला है, और ऐसे में जो है हम माइनस मार्किंग जो आपका पैटर्न है, जिस प्रकार के माइनस मार्किंग का, उस प्रकार के माइनस मार्किंग से लेस हम जो है ऑनलाइन प्लेटफार्म आपको देंगे जिस पे कि आप टेस्ट देंगे। तो वो बाजारों में जिस प्रकार से हो रहा है कि आप घर आए और घर आकर अपने ही जोड़ घटा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं आपको करना है, आप जो है हमारे ऐप के माध्यम से जो है ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो ये पूरा टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एक पोर्टल मिलेगा जिस पर कि आपका पूरा 150 प्रश्न आप हल कर लेंगे जो है, तो उसके बाद वो पूरा दिखाएगा आपको कि आपने इतना सही किया, आपने इतना गलत किया, ये सारी बातें, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा आपको कि व्याख्या जो है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो इस पूरे टेस्ट सीरीज की जान है, जिसके माध्यम से हमने प्रयास किया है 12,000 से 15,000 प्रश्नों को पकड़ने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो जो है हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, जिसके लिए आपको जरूर जुड़ना चाहिए। 100% सिलेबस उस व्याख्या के द्वारा जो है हम कवर कर लेते हैं। उसके अलावा जो है हम आपको जो है प्रत्येक टेस्ट के बाद पीडीएफ देंगे, तो आप जो है पीडीएफ को देख करके चीजों को जो है बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और चौथी बात जो है, जो जुड़ी हुई है, ये है कि माइनस मार्किंग आने की वजह से, और चूंकि आप लोग माइनस मार्किंग की परीक्षाओं के अभ्यस्त नहीं है, और ऐसे में जो है माइनस मार्किंग के पूरे मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट देना ही चाहिए। तो ये सारी बातें जो है टेस्ट से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से बहुत ही मेहनत करके हमने जो है टेस्ट को बनाया है। मार्केट में आप देखेंगे तो तमाम जो है टेस्ट हैं वो जो है कॉपी पेस्ट आपको मिलेंगे। आप पहला डेमो देख करके ये जान सकते हैं कि हमारे टेस्ट और लोगों के टेस्ट में क्या अंतर है। इसमें हमने 25 वर्ष जो प्रश्न पत्र हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उन सबका हमने एनालिसिस किया है। वीडियो के सिलेबस को हमने जो है बड़े गहराई से समझा है। जिन क्षेत्रों से, जिन सेक्टर से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, उन पर हमने विशेष फोकस किया है जो है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी व्याख्या में केवल हमने ये नहीं बताया है कि ये ऑप्शन सही है, बल्कि ये भी बताया है कि अगर कोई और ऑप्शन सही नहीं है तो वो क्यों नहीं सही है, और अगर उससे कोई जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो वो भी जो है हमने उसमें शामिल किया है, ठीक है। तो टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, 31 अक्टूबर टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए लास्ट डेट है। टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना है, तो यहां आपको जो है नंबर डिस्प्ले हो रहा है,
उस नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके जो है आप जुड़ सकते हैं। उसमें जो है आपको लिखना है ज्वाइन टी एस, ध्यान रखिए ज्वाइन टी एस ही लिखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हैं हाय हेलो ज्वाइन, तो आपके मैसेज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे में जो है आपका मैसेज जो है हम नहीं देख पाएंगे। तो आपको जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, ज्वाइन लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद टी एस लिखना है, यानी द स्टडी शॉर्ट में टी एस, यही लिख करके आपको जो है हमें व्हाट्सएप करना है। नंबर जो है आपको दिख रहा है उसी नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप करना है, और कुछ मत लिखिएगा हाय हेलो कुछ नहीं, ज्वाइन टी एस लिखकर आप हमें मैसेज करिए। हम कैसे जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे उसकी सारी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो इस जो है वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को